The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, I am Doctor Paramjeet. You are Doctor Education. Dostoh, फावी पीवाविर वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं भई पतंजलि की दवा कोरोनिल के बारे में स्वास्थ्य श्री के बारे में बताए आप प्लीज़ भाई उसका क्या इसमें हम भरोसा करें क्या ना करें या क्या करें देखिए लेट्स टॉक अबाउट इट मैं पहले तो बता दूं आपको कि सबसे बड़ी विडंबना हमारी इंडिया के प्राचीन आयुर्वेद की यही है कि दम बहुत है उसमें नो डाउट लेकिन जितना है उससे ज़्यादा अगर हम उसको प्रचारित कर लेते हैं तो फिर हमारा वो नेगेटिव में काम करता है यही हुआ है पतंजलि के साथ पतंजलि ने 22 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वेल बोल लूँ या इतना ज़्यादा क्लेम्स करे हैं इस कोरोनिल को लेके कि कुछ ही घंटों में रादर उनको गवर्नमेंट से आयुष मिनिस्ट्री से Uh, इस सारे एडवर्टाइजमेंट रोकने का आदेश आ चुका है और आ चुका है कि भैया ऐसा है जो जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है ये आपने पहले आयुष मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट रजिस्ट्री से कहीं से आई से कहीं से भी इस दवा की इफेक्टिवनेस का कोई प्रूफ लिया है या आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं बनना तो ऐसे 25 कंपनियां कल खड़ी हो जाएंगी और सब उठा के भी पता है हमें कि गिलोय अश्वगंधा शरीर के लिए अच्छा होते हैं तुलसी तो अच्छे होते हैं भाई अदरक लहसन भी अच्छा होता है कल को कोई एक एक और दवाई बना के दे देगा भाई हाँ इसका हंड्रेड है तो कोई भी हंड्रेड बोल देगा बिना प्रूफ के तो बात तो नहीं हुई ना सो इसीलिए बात आ जाती है और इसीलिए ये एक रूल भी बनाया गया है इसमें देर इज एन एक्ट फॉर दिस जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में जिसके अंतर्गत किसी भी ऐसी दवा या ऐसे कोई सब्सटेंस को आप क्योर 100 परसेंट क्योर या किसी भी परसेंट क्योर बोल के तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उस चीज को गवर्नमेंट के थ्रू पहले अप्रूव करा लें कि हाँ ये इफेक्टिव है जो कि अभी इस कोरोनिल नामक दवा का नहीं हुआ है अप्रूवल ठीक है देखिए हुआ क्या है गवर्नमेंट ने अभी इनको रोकने के लिए बोल दिया अपनी एडवरटाइजमेंट और सारे ही सारे सबूत जितने भी उनके पास फेवरेबल रिजल्ट्स हैं जो भी उनके सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं जो उन्होंने कहा कि हमारे क्योर हुए हैं वो देने के लिए बोला है कि वो आप परीक्षण के लिए दीजिए आयुष मिनिस्ट्री को आप उसको देंगे आईसीएमआर ऐसी बहुत सारी जितने भी रिसर्च रिलेटेड हमारे साइंटिफिक अथॉरिटीज हैं उनको ताकि ये जो क्लेम है उसके फैक्ट्स को चेक किया जाए इसको चेक करे बगैर आप इस तरह के के जो दावे खुले तौर पे नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंपनी होकर तो बिल्कुल भी नहीं और छोटी कंपनी भी नहीं करना चाहिए आजकल गली कुे में भी ऐसे दवाइयां बिक रही हैं जो पचांजलि की दवा कोई होम्योपैथिक दवा कोई ये दवा कोई आयुर्वेदिक दवा बहुत कॉमन है ये हो रहा है दुनिया में सब जानते हैं लेकिन अल्टीमेटली ये बात आ जाती है जब इतने बड़े पैमाने पर आप इस तरह के दावे करते हैं तो इसका आपके पास में प्रूफ पहले ना सिर्फ प्रूफ बल्कि आपके पास अप्रूवल होना चाहिए इसमें आपके आ, रिसर्च स्टडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या उस रिसर्च स्टडी में पहले तो सैंपल ज्यादा था अगर चार लोगों को लेके हम कोशिश करेंगे कि पांच लोग दस लोग या मान लो सिर्फ सौ लोग या कुछ कम इतने से लोगों को हम ट्रायल करके देखेंगे चलो इनको गर्म पानी पिला देते हैं गर्म पानी से ठीक हो गए तो दुनिया में सब गर्म पानी में ठीक हो जाएंगे नहीं तो सेम वे हियर सैंपल साइज मैटर करता है प्रोटोकॉल मैटर करता है स्टडी रिसर्च एथिक्स इंस्टीट्यूशनल कमिटी क्लियरेंस होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो ट्रायल का ताकि प्रॉपर रिजल्ट डेटा कहीं ऐसा ना हो कि हमने कह दिया ठीक हो गए हमारा क्या भरोसा आप हमारी बात पर भरोसा करोगे नहीं सो देर शुड बी न्यूट्रल अथॉरिटी जो उस पर भरोसा करे फिर वो ट्रायल को आपको पब्लिश करना पड़ेगा अथॉरिटी उस पब्लिश ट्रायल के बेसिस पे फिर आप दवाई बना के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं वो ट्रायल अगर वो ट्रायल एक्चुअली रिलायबल इस तरीके के सारे पैरामीटर्स को पूरा करता है तो, तो इसीलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट के थ्रू ना सिर्फ पतंजलि को बल्कि जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की उनको भी रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप हमारे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसका अप्रूवल का जो क्लेम है उसके अप्रूवल है उसका डेटा उसका वो जो डॉक्यूमेंट भेजो ये अप्रूव किया है किस बेसिस पे किया है और क्या इसका वो है और खासकर ये इस तरह की जो क्लेम है उसके ऊपर उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऐसे क्लेम मत करिए ये गलत है ठीक है ठीक है ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई असर नहीं होगा क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया एक्चुअली ऐसे में अगर आप बात करें तो पहले मे के अंदर आयुष मिनिस्ट्री ने जो चार पांच तीन चार आयुर्वेदिक रसायन हैं उनका रिसर्च करने के लिए कहा गया था कि रिसर्च करिए इसकी इफेक्टिवनेस को Uh, क्या ये कोरोना पेशेंट्स में इफेक्टिव है या नहीं ऐसे ही अगर हम साइंटिस्ट से बात करेंगे जैसे डॉक्टर अकॉर्डिंग टू हिंदू दिस थिंग द डॉक्टर अभिषेक शर्मा है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो के सुपरवाइज कर रहे हैं ऐसे ही एक uh, ऐसी ही ट्रायल्स का वो कह रहे हैं कि सौ पेशेंट लिए थे इनमें से 100 पेशेंट्स जो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे कोरोना वायरस के उनको टेस्ट किया गया उसमें से रिक्रूट किया 50 लोगों को ये दवाई दी गई कोरोना वाली कोरोनिल और 50 लोगों को नहीं दिया गया 50 जिनको दी गई उसमें से पाँच जो है वो ड्रॉप आउट हो गए वो चले वो नहीं ले वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया बाकी 50 जो है उनको प्लासीबो दिया गया ऐसे में क्या हुआ जो 45 बचे जिन्होंने दवाई खाई 45 में से 69 परसेंट जो है वो तीसरे दिन नेगेटिव प्राप्त हो गए थे यानी वो तीन दिन बाद कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे और क्लियर हो गए थे वायरस से और जो लोग प्लासिमो में थे जो लोग प्लासिबो में थे उसमें से आधे यानी पच्चीस नेगेटिव हो गए थे तीन दिन बाद यानी कि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो दवाई लेने पर पैतालीस में से इकतीस और दव, तो पैंतालीस में से इकतीस और जो नहीं दवाई लिए तो पचास में से पच्चीस थर्टी वन और ट्वेंटी फाइव जो है वो बिना दवा लिए भी पच्चीस ठीक हो गए और दवा लेके भी इकतीस ठीक हुए तो so, ये एक लेवल उसके आगे का डिटेल अभी, अभी अवेलेबल नहीं है कि इस रिसर्च में आगे हुआ कि क्या हुआ कि आगे क्या नहीं हुआ कहने का मतलब ये है कि ठीक है इस पर रिसर्च चल रही थी लेकिन रिसर्च के सैंपल साइज रिसर्च के प्रोटोकॉल रिसर्च कितनी क्रेडिबल्ड है उसके बेसिस पे एक, एक दवा को मान्यता दी जाती है ठीक है ये दवा कोरोना के लिए परफेक्टली इफेक्टिव है दूसरी चीजें छोड़ के जो दूसरी डेंजरस चीज़ें हैं भाई एलोपैथिक दवाई छोड़ के हम ये दवाई इस्तेमाल करें क्योंकि तो ये दवाई जो है ना सिर्फ सेफ है बल्कि इफेक्टिव है सो so, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट इस तरीके की चीज़ों में देखने का फिर ये क्लिनिकल ट्रायल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए क्लिनिकल टायर में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार के पेशेंट लिए सिर्फ जवान पेशेंट लिए सिर्फ माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट लिए जब हमें पता है कि एकदम जवान लोगों में तो इसका 80 90 परसेंट वैसे ही ठीक हो जाते हैं 90 परसेंट वैसी ठीक उसमें आप कुछ भी दे दो गर्म पानी दोगे तो भी ठीक होगा नॉट सेईंग की दवाई इज नॉट इफेक्टिव बट आई एम सेंग की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे मार खा जाती है अगर हम पूरी डेटा नहीं देते और प्री हम इस तरह के क्लेम करते हैं चाहे वो कोई भी कंपनी हो वो गलत है ठीक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो इम्पॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट इसमें देखने का है पतंजलि की तरफ से ये जो दवाई बनाई गई है इस दवाई में बहुत सारे अच्छे चीज़ें डाली गई है दिस इज़ नॉट अ बैड दवा पहली बात इसमें आपको मिलेगा अश्वगंधा अश्वगंधा uh, अच्छा है उन टोटल शरीर के लिए अडेप्टबिलिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है जो कि uh, कहा जाता है इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है लेकिन पतंजलि का क्लेम है कि ये दवा जो है वायरस के uh, जो रिसेप्टर एक्टिवेशन है जो वायरस आपके शरीर में जाके ए सी ए सी आई जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है बाइंड करता है शरीर के अंदर जाता है सेल्स के अंदर जाता है उसको संक्रमण को रोक देता है सेम थिंग ये कह रहे हैं कि गिलोय भी ऐसे ही आपके रिसेप्टर्स को रोक देता है और तुलसी के बारे में बताया गया है कि तुलसी जो है जो दी जा रही है तुलसी आ जो वायरस का रेप्लिकेशन करने का प्रोसेस है उसको रोकती है उसमें यह बोला जा रहा है कि वो एक तरीके के आर जो पॉलीमरेज इनिबिटर जैसा काम करती है जो हमने अभी बताया था आपको फावी पीवार में आर एन पॉलीमरेज इनिबीटर क्या होता है वो वैसी दवाई जैसा काम करती है तुलसी और एक श्वासरी रस है जो स्वासरी रस है तो सांस के लिए बलगम कम करता है अगर सांस में दिक्कत है फेफड़ों में सूजन है ऐसी बताई गई है पतंजलि के द्वारा तो अभी इस चीज के ऊपर मतलब प्रूफ या रिसर्च होना या उसको रिसर्च को पब्लिश भी नहीं किया गया है जहाँ तक कि अभी आज तक की नॉलेज ये बताई गई है कि ठीक है इस पर रिसर्च हो रहा है उस रिसर्च में कितनी क्रेडिबिलिटी है कितने पॉजिटिव है कितने हुए कितने नहीं हुए इसका कोई क्रेडिबिलिटी प्रूफ अभी तक नहीं है ना ही इसको पब्लिश किया गया है लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इस चीज़ को ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन इसी बिल्कुल तरह से बहुत सारी दवाएं अवेलेबल है मार्केट में कोरोना की चाहे वो हमारी अभी फावी फावी, फावी पी वाली दवाई आई हो चाहे वो कोविफर हो कोविफोर जो हमारी दूसरी दवाई इंजेक्टेबल दवा है तो एलोपैथिक दवाई भी है आयुर्वेदिक दवाइयां भी है होम्योपैथिक दवाइयां भी है किसी भी दवा को हम हंड्रेड परसेंट क्योर बोल के जनता को नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास में गवर्नमेंट अप्रूवल ना हो जब तक हमारे पास में लॉजिकल और साइंटिफिक एक्चुअल प्रूफ ना हो साइंटिफिक प्रूफ प्रूफ होगा तो गवर्नमेंट ही नहीं पूरी दुनिया इसको अपनाएगी और बहुत अच्छा होगा अगर पतंजलि के या किसी भी कंपनी के ऐसे किसी प्रूफ को इंडियन कंपनी को इस तरह के साइंटिफिक अप्रूवल ना सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल बल्कि अच्छे खासे अच्छे साइंटिफिक बेसिस पे प्रूफ किया जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वाली दवा प्रूवन या इसका जो प्रूफ है वो सामने नहीं आया है तो अभी तक हम इसके ऊपर आग बन करके भरोसा नहीं कर सकते बाकी कोई ट्राई करना चाहे तो उसमें मनाई नहीं है लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस मैंने वैसे बताया था ट्रीटमेंट आपका दवा नहीं डॉक्टर करेगा तो आपको अपने इलाज के लिए डॉक्टर से डॉक्टर से हमेशा कनेक्टेड रहना है डॉक्टर आपका इलाज करेगा अब वो डॉक्टर आपका सेनापति है वो किस औजार से लड़ना चाहेगा वो अपनी दवाई अपना औजार अपने अपने वेपन्स खुद चुनेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा तो डॉक्टर को चूज करिए डॉक्टर को चुनने दीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है सो दैट्स ऑल कोरोना के कोरोनिल के बारे में ये अभी तक की जानकारी है अगर कोई आगे चल के प्रूफ या ऐसी कोई चीज़ निकल के आती है तो हम आपको वो भी बताएंगे फिलहाल uh it's just an option but it's not a proven cure thank you so much stay connected stay healthy